हाल चाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल RB Vlogs में। तो ये मेरा जो है बजट व्लॉगिंग पर सेकेंड वीडियो है। आई बटन पर लिंक आ रहा होगा। ये बजट व्लॉगिंग पर इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो आप देख सकते हो, आई बटन पर इसका लिंक है। और उसमें मैंने बोया के माइक की, बोया बाय M1 की अनबॉक्सिंग की है, ठीक है। इसमें मैंने कहा था कि पार्ट टू आएगा, और पार्ट टू में क्या है कि ट्राईपॉड की मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, गोरिल्ला ट्राईपॉड की। तो मैंने बहुत सस्ते में एक व्लॉगिंग का जो सेटअप होता है वो बनाया है। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, ये चश्मा मैं उतार देता हूँ, थोड़ा सा मेरा चेहरा अजीब सा लग रहा होगा। तो पिछले व्लॉगिंग में जो सेटअप देखा था आपने, उसमें देखा होगा कि मोबाइल बहुत ज़्यादा हिल रहा था, ऐसे 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 वाइब्रेशन आ रहे थे। बहुत स्थायी होगा इस टाइम, बहुत ही स्टेबल होगा, होगा कि नहीं। ये चीज़ जो है आप कब कर सकते हो, जब ट्राईपॉड आप ले लोगे। मैंने गोरिल्ला का ट्राईपॉड इसलिए लिया क्योंकि मैं उससे जो है व्लॉगिंग कर सकता हूँ। व्लॉगिंग बेसिकली ऐसे करके पकड़ते हैं और बात करते हैं, तो व्लॉगिंग वो चीज़ हो गई। ये तो मैं रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे व्लॉगिंग नहीं कहेंगे क्योंकि मैं व्लॉगिंग कह भी नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सेटअप बता रहा हूँ बजट व्लॉगिंग। तो ये मेरा सेकंड वीडियो है बजट व्लॉगिंग को लेकर के, है ना। तो एक आप माइक्रोफोन ले लो, एक आप ट्राईपॉड ले लो। मैं दोनों चीज़ ले चुका हूँ। बोया के मैंने माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग कर दी थी। इस वीडियो में मैं ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद क्लिप आएगी ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग की। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो है ओपन करेंगे यहाँ से। ये हमने इसकी सील की है खोल, कुछ इस तरीके का बॉक्स है। पहले बॉक्स खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो पहले निकला है, सबसे पहले निकला है थर्माकोल, आप देख सकते हो, है ना। देन इसमें से ये निकला है, ये देखिए, ये आपके सामने रखा है। ये दो चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ और है, एक चीज़ और ये भी है। तो ये तीन चीज़ें आई हैं। और अब हम एक एक करके चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, ट्राईपॉड को देखते हैं। तो ये देखेंगे हम, पन्नी इसकी कुछ इस तरीके की है, ये उतारी हमने। और ये इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हो। इसको हम ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे ओपन कर सकते हैं, ऐसे स्टैंड कर सकते हैं, ऐसे इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा जो है आपका ये एक पन्नी मिली है। इस पन्नी में एक आपको इस तरीके का मोबाइल होल्डर मिल जाएगा। इसको इधर से भी क्लिप कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, है ना। तो हम मोस्टली YouTube के लिए बनाते हैं, तो हम इधर से क्लिक करेंगे। तो इसको हमने ऐसे, इसको ऐसे क्लिप कर लिया। और ये हमारे पेचकस है, हमने इसको ऐसे टाइट कर लेंगे, ऐसे करके हमने इसको टाइट कर लिया पेचकस से। अब इसको हम ऐसे क्लिप कर लेंगे, इसमें ऐसे। इसको चाहे तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। आप देखो यहाँ पे एक क्लिप लगी हुई है, इसको ऐसे दबाया, ये देखिए बाहर हो गया। ऐसे लगाया अंदर हो गया, ये देखिए अब नहीं निकलेगा। लेकिन अगर निकालना चाहे तो ऐसे ही निकल सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, कुछ इस तरीके से आपका सेटअप बन गया है। ऐसे आप यूज़ इसको रख सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है ये रिमोट। तो ये देखिए इस तरीके से रिमोट है। एक एंड्रॉयड है और एक iOS के लिए, है ना। तो ये स्टॉप और वीडियो स्टार्ट के लिए है। तो इसको जब कनेक्ट करेंगे फिर हम वीडियो बनाएंगे और फिर दिखाएंगे कैसे ये यूज़ हो रहा है। गोरिल्ला ट्राईपॉड टू बेसिकली क्या है, मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रहा था, रिकमेंड करने का कारण ये था, गोरिल्ला का ट्राईपॉड को आप किसी तरीके भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब उसकी टांगे टेढ़ी कर लो, उसको आप तिरछा रख लो, आप उसको दीवार में माउंट कर दो, कहीं पे कोई रॉड हो उसको उसमें कस दो, है ना। उसको कुछ नहीं हो तो सेल्फी स्टिक की तरह आपने यूज कर लिया, आपने व्लॉगिंग की तरह यूज कर लिया। बेसिकली क्या होता है, आप ट्राईपॉड जब मंगाते हो ना, तो आप सिंपल उसको रख दिया, उसके लेग्स खोल दिए और उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। आप उसको जो है एज ए रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हो। गोरिल्ला ट्राईपॉड में क्या है, छोटा होता है, स्टेबल होता है, आप उसको आड़ा तिरछा करके कैसे भी किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हो, है ना। बहुत से ट्राईपॉड और आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। मैंने बजट ब्लॉगिंग की बात की है, बस पहले बात समझिएगा।
इसमें क्या है, मैंने सस्ते से सस्ता ट्राइपॉड आपको दिखाया है कि आपको जो है मैक्सिमम यूज कैसे हो जाए, वरना आने को तो आपका एमआई का ट्राइपॉड आता है जिसको आप जो है सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो। आप उसको लंबा कर लो, आप उसको सेल्फी स्टिक बना के उसके स्टैंड खोल दो, सेल्फी स्टिक लंबी कर दो, उसके बाद आपका ट्राइपॉड लंबा ट्राइपॉड बन जाता है। आते बहुत तरीके के, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैंने मिनिमम से मिनिमम बताया कि एक बहुत नॉमिनल बंदा, मतलब कहने का मतलब है कि एक मिडिल क्लास से भी नीचे हो, जो जिसके पास पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो और वो व्लॉगिंग करना चाहता हो, उसके लिए मैंने ये सेटअप बताया है कि हाँ आप एक गोरिल्ला का ट्राइपॉड इसलिए ले सकते हो, कहीं भी लगा दो भाई, मतलब ये था ना ड्यूरेबल फ्लेक्सिबल एकदम झकास, कहीं भी फिक्स कर दीजिए, बढ़िया शूट कर लीजिए, एक आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं है कि नहीं यार मैं पता नहीं YouTube के पैरामीटर्स पे आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ये मेरा पार्ट टू है। फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, मैं आपको सिंपल चीज़ बताना चाहता था, शायद आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मेरा पार्ट वन देख लो, और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हो। एक्चुअल सच्चाई बताऊं, मैं बिल्कुल नया हूं, मैंने अभी सिर्फ 3 या 4 वीडियो डाले, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। अगर मेरे लिए 100 व्यूज 150 व्यूज भी आते हैं तो बहुत आते हैं, क्योंकि मैंने एज सच अभी तक बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि लॉकडाउन था, फिर बारिश हो रही है, कंटेंट उतना ज्यादा निकल नहीं पाया, बट आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा हौसला बढ़ाओ। अगर आप मेरा हौसला बढ़ाओगे, विश्वास मानिए एक से एक कंटेंट आएगा, एक से एक वीडियोस आएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग को मजा आएगा देखने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, अपना ख्याल रखिए, कोरोना में बचे रहिए और आरबी ब्लॉग देखते रहिए। जय बोले।